हेलो दोस्तों, मैं अमित आपका दोस्त आज एक बार फिर से आपके पास आया हूँ और एक वीडियो में आपको आज कुछ खास बताने वाला हूँ कि काइगर RXT मॉडल में क्या खास रहेगा, आप गाड़ी को क्यों परचेज करें और बाकी SUV से ये SUV कैसे डिफरेंट है। तो आइए एक बार इसका वॉक अराउंड कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। आइए देखिए, अगर आप गाड़ी का फर्स्ट लुक देखते हैं, सामने से आप गाड़ी देखते हैं तो काफ़ी मस्कुलर लुक इसका मिलता है। इस गाड़ी की सबसे खास बात यह है कि इसमें एरोडायनामिक शेप का काफी अच्छे से यूज किया गया है। जैसे कि आप इसके बोनट पे देख सकते हैं, आप इसकी रूफ टॉप पे देख सकते हैं, आप इसके साइड कर्व पे देख सकते हैं, है ना। इसमें बहुत अच्छा यूज किया गया है कि जिससे कि एरोडायनामिक शेप से आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आप गाड़ी को जितनी स्पीड से आप रन कर रहे हैं तो इसकी जो गाड़ी की एयर कटिंग है वो बेहतर ढंग से होती है और जिसकी वजह से गाड़ी की ग्रिपिंग रोड पे बहुत अच्छी रहती है। दूसरा, इस गाड़ी का सबसे अच्छा जो पार्ट है वो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी में आता है, जो कि इसे कॉम्पैक्ट SUV की श्रेणी में नंबर वन रखता है। इस ग्राउंड क्लियरेंस के साथ गाड़ी को ऑफ रोडिंग आप कर सकते हैं, गाड़ी कच्चे पक्के किसी भी रोड पर चल सकती है। दूसरा बेस्ट पार्ट है इसका, जो इसका फ्रंट ग्रिल है, इसका काफ़ी बोल्ड लुक दिया हुआ है। क्रोम फिनिशिंग के साथ फ्रंट ग्रिल आपको इसमें मिल जाता है और DRL इसके बेस वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाती है। तो DRL की खासियत ये है कि ये बहुत ही क्लियरिटी के साथ यूज आप इसे कर सकते हैं। आइए हमें साइड लुक को अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर बहुत ही छोटा लेकिन एक खास चीज मिल जाती है। इसको हम बेसिकली वेजिंग के रूप में से यूज करते हैं। यहाँ ब्लैंक दिया हुआ है बट क्रोम के साथ आप इसकी वेजिंग RXT कर सकते हैं। देन अगर टायर की बात करें तो 16 इंच के एलॉय कट व्हील के साथ टायर आपको मिल रहा है, जो कि ऑफ रोडिंग के लिए परफेक्ट है, ग्रिपिंग अच्छी रहेगी और ट्यूबलेस टायर है और रेडियल टायर आपको इसमें मिल जाता है। स्पोर्टिंग ORVM इसमें आपको मिल जाता है, जो कि मैनुअल है। ऑटो फोल्डेबल का ऑप्शन इसमें नहीं आता, आप ऑटो फोल्डेबल का ऑप्शन इसमें करा सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है। आइए अगर पेट्रोल टंकी की बात करें इसकी, तो अंदर से ही इसकी बूट लीड दिया हुआ है जिससे आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। रियर में अगर हम देखें तो LED टेल लैंप का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, जो कि बहुत ही काफी अच्छा और सुंदर है, लुक देखने में काफी अच्छा लगता है। LED का कॉम्बिनेशन है तो काफी अच्छी लुकिंग रहती है। बाकी अगर हम बात करें बम्पर की, तो ड्यूअल टोन बम्पर इसमें दिया हुआ है और इसके साथ पार्किंग सेंसर इसमें दिए हुए हैं, 3 पार्किंग सेंसर इसमें दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं पार्किंग सेंसर से गाड़ी को कहीं पर भी पार्क करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी रहेगी और आप काफी अच्छी तरह पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा पार्किंग कैमरे का भी आप यूज कर सकते हैं, जो कि गाइडलाइन के साथ इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम गाड़ी के स्पॉइलर की बात करें तो न्यू लुक स्पॉइलर दिया हुआ है और इसमें हाई स्टॉप माउंटेन टेल लैंप भी दी हुई है। देन सबसे अच्छी बात क्या है कि ज्यादातर गाड़ियों में वाइपर और वॉशर नहीं दिया होता, बट इस गाड़ी में आपको वाइपर भी मिल रहा है और वॉशर भी मिल रहा है। देन अगर रूफ की हम बात करें तो रूफ रेल आपको इसमें मिल जाती है, जो कि ब्लैक एंड सिल्वर फिनिशिंग में है। देन आपको शार्क फिन एंटीना इसमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। बूट स्पेस अगर मैं आपको करके दिखाता हूँ तो जो इसका बूट स्पेस है वो 405 लीटर का है, जो कि काफी अच्छा बूट स्पेस है। आर्चर ट्रे निकालने के बाद हमें 50 लीटर और प्लस मिल जाएगा। देन हम इस सीटों को फोल्ड भी कर सकते हैं, तो अपनी जरूरत के हिसाब से हम काफी अच्छा बूट स्पेस इसमें हमें मिल जाता है। आइए कस्टमर पैसेंजर साइड की हम बात करें तो रियर में बहुत अच्छा पैसेंजर स्पेस दिया हुआ है। जैसे कि अगर मैं इसमें गाड़ी में बैठता हूँ तो आराम से मैं इसमें बैठ सकता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं लेग स्पेस मुझे काफी अच्छी मात्रा में मिल जाता है। इसके अलावा मेरा जो हेड स्पेस है वो भी मुझे काफी अच्छी मात्रा में मिल जाता है। इसके अलावा 3 पैसेंजर के लिए फ्लैट सोल इसमें दिया हुआ है और
रियर एसी वेंट का कॉम्बिनेशन इसमें दिया हुआ है। अच्छी बात यह है कि आप इसे यूज कर भी सकते हैं, और आप जब इसे यूज नहीं करना चाहते तो इसे ऑफ ऑन का भी इसमें सिस्टम दिया हुआ है। आप इसे यूज नहीं करना चाहते तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, दोनों तरह के ऑप्शन आपको इसमें मिल जाते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि इस बूट स्पेस का भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने इसको ओपन करना है तो जस्ट अंदर से ही आप इसका ये बटन है, बटन दबा करके इसको लीवर को ओपन करके इसको खोल सकते हैं। तो अंदर बैठे बैठे भी आप बूट स्पेस का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना सर। बहुत अच्छी चीज इसमें एक आर्मरेस्ट के रूप में दे रखी है, आर्मरेस्ट को आप यूज कर सकते हैं, जिसमें कप होल्डर के साथ मोबाइल होल्डर भी दिया हुआ है। आइए ड्राइविंग सीट पर चलते हैं, ड्राइविंग सीट पर देखते हैं क्या खास है और क्या कंफर्टेबल फीचर्स हमें मिल जाते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं जब गाड़ी के अंदर बैठता हूँ तो उसकी लोड लोडिंग हाइट है, और मुझे स्टेयरिंग व्हील पर टिल्ट गाड़ी का स्टेयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है। देन अगर नॉर्मल फंक्शन की मैं बात करूं तो ऑल फोर पावर विंडो जो मैं यहीं से कंट्रोल कर सकता हूं, लॉक अनलॉक कर सकता हूं। जो ORVM है वो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ आता है, तो इसको मैं अपने लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन के साथ मैं इसे एडजस्ट कर सकता हूं, ठीक है। इंटीरियर की अगर हम बात करें तो ड्यूअल टोन इंटीरियर इसमें दिया हुआ है, ब्लैक के साथ गोल्डन फिनिशिंग का टच इसमें दिया हुआ है, और चारों तरफ हम देख सकते हैं तो जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है। और इसके अलावा अगर हम वुडन पैनल की बात करें तो हमें इसमें जो वुडन पैनल मिल रहा है वो गोल्डन कलर में है, जो काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करा रहा है। बाकी अगर बात करें म्यूजिक सिस्टम की तो टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम हमें इसमें मिल जाता है, जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों को सपोर्ट करता है। इसके अलावा ऑटोमेटिक एसी का हमें कॉम्बिनेशन मिल जाता है, पुश बटन स्टार्ट हमें देखने को मिल जाता है, और ऑफकोर्स स्मार्ट एंट्री सिस्टम आप देख सकते हैं, स्मार्ट एंट्री सिस्टम हमें इसमें देखने को मिल जाता है। इसका एक बहुत अच्छा फंक्शन है जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें गियर नोब की तो काफ़ी अच्छा फिनिशिंग में लेदर फिनिशिंग में हमें गियर कंसोल बॉक्स देखने को मिलता है। इसके अलावा आर्मरेस्ट के साथ कंसोल बॉक्स का भी इसमें ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। और अपर ग्लोव बॉक्स और लोअर ग्लोव बॉक्स दोनों का ऑप्शन हमें मिल जाता है। अगर हम केवल स्टेयरिंग की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग हमें इसमें देखने को मिलता है, और उसके ऊपर कुछ कंट्रोल फंक्शन भी हमें देखने को मिल जाते हैं। इन कंट्रोल फंक्शंस में हमें स्टीरियो के कंट्रोल फंक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें हम मोड और सोर्स का यूज़ करके अपने जो भी ज़रूरत है उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर इसे फ़ोन से कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ के थ्रू, तो अपने सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं, फ़ोन को रिसीव कर सकते हैं, डिसकनेक्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा मोड को हम यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल मीटर की अगर बात करें तो डिजिटल मीटर इसमें दिया हुआ है, जो कि एवरेज भी शो करता है, फ्यूल एफिशिएंसी भी शो करता है, और मल्टी फंक्शंस को शो करता है, ठीक है। गाड़ी की सेफ्टी नॉर्म्स की अगर हम बात करें तो गाड़ी के अंदर दो एयरबैग का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, फ्रंट में एक एयरबैग हमें यहाँ मिल जाता है और एक एयरबैग हमें यहाँ मिल जाता है। इसके अलावा दो एयरबैग हमें और मिलते हैं, जो हमें सीटों पर फिटेड मिलते हैं, तो टोटल चार एयरबैग का कॉम्बिनेशन हमें इसमें मिल जाता है। इसके अलावा ABS और EBD का कॉम्बिनेशन भी हमें इसमें मिल जाता है। देन अगर रेटिंग की बात करें तो इस गाड़ी की जो सेफ्टी रैंकिंग है वो 4-स्टार सेफ्टी रैंकिंग है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो गाड़ी की सेफ्टी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और कंपनी ने इस बात का विशेष ध्यान रखा है। इसमें 4-स्टार सेफ्टी रैंकिंग से मिली हुई है एनकैप टेस्ट में, जिसमें एडल्ट सेफ्टी भी इसमें 4-स्टार है और चाइल्ड सेफ्टी भी इसमें 2-स्टार है। तो गाड़ी नो डाउट बहुत सेफ है। अगर इंजन की हम बात करें तो इसमें दो तरह के इंजन कंपनी प्रोवाइड कराती है, जिसमें 1 लीटर का एनर्जी इंजन आपको मिल जाता है, जो कि 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, 72 PS की पावर जनरेट करता है। इस पावर ऑफ पिकअप के साथ आपको जो है 20 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज कंपनी प्रोवाइड कराती है। दूसरा जो इसका इंजन आता है वो भी 1 लीटर इंजन में ही है, और आपको टर्बो इंजन के नाम से आता है। टर्बो इंजन में आपको 100 PS की पावर मिल जाएगी और 160 Nm का टॉर्क मिल जाएगा। जो एवरेज ARI सर्टिफाइड है वो 18 किलोमीटर प्रति लीटर। इसके अलावा अगर गाड़ी के मेंटेनेंस की बात करें तो 10,000 किलोमीटर चलाने पर गाड़ी का जो खर्चा आता है वो 4,000 रुपये के करीब आता है, जो कि एक बुलेट मोटरसाइकिल के बराबर है। बाकी
ओवरऑल अगर राइडिंग क्वालिटी की बात करें तो राइडिंग क्वालिटी काफी अच्छी है, मिडिल क्लास के लिए एक बहुत अच्छी कॉम्पैक्ट एसयूवी भी है। इसके अलावा गाड़ी में बहुत सारी छोटी छोटी खासियत है, जब आप गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करते हैं, जब आप गाड़ी को चलाते हैं, तब आपको उसकी क्वालिटी का पता चलेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप जो भी आपके क्वेश्चन हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, कमेंट में मुझे जरूर लिखें, फिर मैं आपको उसके रिप्लाई जरूर करूँगा। नमस्कार।